अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे पास मौजूद हैं और एक बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि जी हमारी बकरी थी वो क्रॉस हुई, उसने बच्चा गिरा दिया, हमारी बकरी ने एक मादा गिराया और उसके बाद वो बच्चा गिर गया तो वो ये प्रॉब्लम आ गया। तो ये अबॉर्शन जो बकरियों में है या बकरियाँ जो गबन बकरियाँ बच्चे गिरा देती हैं उसकी क्या वजूहात हैं और क्या क्या, मैंने सारी वजूहात हम इस टॉपिक इसमें कवर नहीं कर सके, जो मेजर वजूहात हैं, जो बुनियादी मोटी मोटी वजूहात हैं वो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब आज हमें बताएं। तो डॉक्टर साहब ये बकरियां जो बच्चे गिराती हैं ये बहुत बहुत लोगों का मसला है सर, लोगों को बहुत मसला है और बेशुमार रिक्वेस्ट आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं कि जी ये क्या क्यों गिराती हैं और इसका हल क्या है, उसमें एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं या कोई ऐसा इंडिकेटर होता है। बाज़ का लोग वीडियो भेज देते हैं कि यार ये मादा गिरा, ये वाइट मादा गिरा रही है या रेड स्पॉट आ रहे हैं तो क्या ये बकरी बच्चा गिराने लगी है। दो तीन हिस्सों में बता दीजिएगा, एक वजूहात के हैं, दूसरा सिम्टम्स क्या होंगे अगर पता लग जाए कि यार ये गिरा देगी, और तीसरा कि उसकी कोई तहती तदाबीर हो सकती है। अच्छा, अबॉर्शंस की बात करें तो साइंस ये कहती है कि अगर उसकी 100 रीज़न है ना, 100 में से 5 नॉन है, 95 अननोन है। ओके, तो अबॉर्शंस की बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो नहीं पता क्यों होती ठीक है। या फिर दूसरी बात यह है कि किसी एक फैक्टर से अबॉर्शंस नहीं होती, हमेशा 2, 3 या 4 फैक्टर्स जब जमा हो जाते हैं तो तब जाके अबॉर्शन होती है। ठीक है। अगर ब्रॉडली ना इनको मोटा मोटा मैं इनको क्लासीफाई कर दूं कि अबॉर्शंस की रीजंस को ना, बिल्कुल ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा मैकेनिकल, ठीक है, न्यूट्रिशनल, ठीक है, हार्मोनल, ठीक है, और इन्फेक्शियस, ठीक है, और टॉक्सिक, ठीक है, पांच ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है इसकी। अच्छा, आप डॉक्टर साहब मेहरबानी, एक रिक्वेस्ट है, लंबी हो जाए, नहीं नहीं लंबी हो जाए, खैर है, उसको उर्दू में बता दें, ये जो आप इतनी अंग्रेजी बोलते हैं ना, ये लोगों को जो पांच अपने लफ्ज बोले हैं ना, इनके जो करीब तरीन उर्दू वाला लफ्ज है ना, बता दें। मैं वन बाय वन इन पांचों को बता दें। मैकेनिकल में ये होता है कि कोई बकरी ने टक्कर मार दी दूसरी बकरी को, या वो गिर गई, या कोई जंप लगा दिया, लोडिंग में झटका लग गया, बच्चा अंदर से अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल, जिसमें कोई कुवत लगती है, फोर्स लगती है बच्चे के ऊपर, फिजिकल फोर्स लगती है, ठीक है। ये होगी मैकेनिकल रीजन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं जिसमें मैं अभी नाम नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये कि बकरी को फिजिकली टकरे मारने वाली बकरियाँ अलहदा रखें, सींग बनाया करें बच्चों के, सींगों वाली बकरियाँ नुकसान करती हैं, कमज़ोर बकरियाँ या सींगों वाली और जब बगैर सींगों वाली मिक्स करते हैं तो बगैर सींगों वाली को मार पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग में इतने आते हैं, अब अपने फार्म के अंदर जगह है जो उसके अंदर वो गैर ज़रूरी किस्म की जो ऑब्स्टेकल्स पड़ी होती है ना, रुकावटें, फूल किस्म की टूटी फूटी खुरली, ये जंगला खत्म कर दें, जगह थोड़ी अच्छी करें अपनी, ठीक है, उधर ये नहीं कि बस बकरियों ने रहना है तो गन डाल के रखें, बिल्कुल ठीक है, जगह सही हो, ऐसी हो कि वहाँ पे अगर किसी को टक्कर लगे वो जाके सामने बजरी या किसी बांस के साथ या उसके साथ तो बच्चे ने गिरना, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो जगह बनाए वो अच्छी बनाए, ये हो गई मैकेनिकल वजूहात, ठीक है। दूसरी है न्यूट्रिशनल, जो गजाइत से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें लाजमी बात है जानवर की अपनी ज़रूरियात है, उसके बाद बच्चे की ज़रूरियात है, फिर अगर शायद वो साथ दूध भी दे रही हो, ठीक है। अगर तो उसकी गजाई ज़रूरियात पूरी हो रही है अपनी भी, ठीक है। बच्चे की भी और दूध की भी, फिर तो सारा कुछ ठीक है। जब उधर से शार्टेज आनी शुरू होती है ना तो बॉडी क्या करती है, अपने ऊपर जो गैर ज़रूरी बोझ होते हैं वो हटाने शुरू करती है, ठीक है। अब बॉडी ने डिटरमिन करना है कि वो पहले दूध से जान छुड़ाती है अपनी प्रोडक्शन से या बच्चे से जान छुड़ाती है, ठीक है। सर्वाइवल की जंग होती है, जब आपकी खुराक में कमी आ रही है, कमज़ोर है जानवर, तो उसमें बकरी का जिस्म फैसला करता है कुदरती तौर पे, बड़ी स्कोर वाली वीडियो जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट जानवरों में, ठीक है, आपने 4 तक ले जाएं, ठीक है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, न्यूट्रिशनल काजेस खत्म हो जाएंगे आपके, तो غذائی ضروریات پوری رکھیں, कमजोरी से बचाएं, अबॉर्शन होगी क्यों, कमजोरी से कोई रीजन नहीं होगी, जानवर का एक नेचुरल फिनोमेना है कुदरती कि अब उसने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है, बच्चों से जान छुड़ा लेगी वो, अबॉर्ट हो जाएंगे, फेंक देगी बगैर, और कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बच्चे फेंक देंगे, ठीक है। तो बॉडी स्कोर गजाइयत ठीक है पूरी करें, उसका राइट भी है जानवर, बिल्कुल ठीक है।
तीसरी न्यूट्रिशनल मैकेनिकल न्यूट्रिशनल और इन्फेक्शियस कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वो वायरसेस हैं ठीक है जो डायरेक्ट अबॉर्शन काज करते हैं, वो जाके बच्चे की इन्फेक्ट करते हैं तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। मतलब वो डिजीज़ जो जानवर में नहीं होती, मदर में नहीं होती, लेकिन बच्चे में जाके होती है ठीक है उस वजह से बच्चा जब मर गया है या फिर वो ज़ाहिर है बॉडी उसको फेंक देती है, बॉडी मरे हुए बच्चे को रखती नहीं है ठीक है। उसमें ब्रुसेला बैक्टीरिया एक होता है, वो कंपाइलोबैक्टर है, तीन चार और भी हैं अबॉर्शन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हैं ठीक है। मोस्टली वो बकरों से लगती हैं ठीक है। एक इन्फेक्टेड जानवर को उन्होंने बकरे ने क्रॉस किया, उसके बाद किसी दूसरे को कर लिया तो वो ट्रांसमिट होती है ठीक है। ट्रांसवेनेरियल ट्रांसमिशन उसको कहते हैं कि जो गायों में इस चीज़ का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, बुल से नहीं करते लेकिन बकरियों में क्योंकि बकरे से होती है, एक बकरी आड़ में इन्फेक्टेड है तो बहुत सारी हो जाती हैं, तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, ये बकरे से ट्रांसमिट होती है ठीक है। बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं, कुछ फंगल हैं, कुछ वो रिकेट्स हैं, मतलब ये जरासीम ही हैं सारे। इससे पहले हम चौथे पे जाएं, मैं ज़रा सम अप कर दूं। आपने कहा जी मैकेनिकल, उसके एहतियात आपने कहा है कि जगह को साफ़ सुथरा रखें और ऐसे ऑब्स्टेकल या ऐसी दरमियान में ना एक बकरी टक्कर लगा के गिर सके या दो बकरियां टकरे ना मारें एक दूसरे को, सिंगों वाली बिग सिंग बकरियां वैसे ही थोड़ी अग्रेसिव होती हैं, गुस्से वाली होती हैं, उनसे हम करें। ये तो हो गया कि जो उसके माहौल को बेहतर, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, प्रेग्नेंट बकरियां खरीद के लाते हैं, बसों में घुसाते हैं। ये हमारे साथ वेरी बेहतरीन बकरियां हम खरीद के लाए, बड़ी ज़बरदस्त बकरी थी, वो प्रेग्नेंट थी, हम लेके आए, वो नीचे जब लेके आए रस्ते में झटके लगे और उसने आते साथ तीन बच्चे बॉट किए, तो हमने उसके बाद रूल बना लिया कि हम आइंदा कभी भी गबन बकरी जो है स्पेशली आखिरी महीनों में तो कभी नहीं, हम एक जगह दूसरी जगह ले कम्फर्टेबल करें, अच्छी हो लोडिंग अनलोडिंग। ये मैकेनिकल हो गया, दूसरी आपने बताई इन्फेक्शियस न्यूट्रिशनल, वो तो बड़ी मोटी बात है कि गजाई किल्लत की वजह से बकरी बच्चा गिराएगी तो गबन में खुदा का वास्ता बच्ची बकरियों को ठीक खाना खिलाएं, उनका वंडा उनकी हे मुनासिब दें। अभी रिसेंटली हमारे पास छोटा सा मसला आया था, तो चूँकि बकरियां गबन थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि बेहतरीन वंडा और बेहतरीन ला के दें। और तीसरी आपने इन्फेक्शियस बताई, ब्रुसेला एक बताई, बैक्टीरिया या वायरस आ गया और उसने आगे कर दिया। इसकी एहतियात ये है कि आप टेस्ट करा लें उनके, हाँ स्क्रीनिंग कराते रहें, ब्रुसेला की स्क्रीनिंग तो अवेलेबल है वो करवा लें ठीक है। अगर कोई बकरी इन्फेक्टेड है तो आप उसको बकरे से क्रॉस ना करवाएं, बल्कि कोशिश करें उसको निकाल दें, अलादा कर दें या ना रखें उसको, क्योंकि वो ब्रुसेला जो है ना वो जो फ्लूड निकलते हैं ना बच्चेदानी के उनसे भी फैलता है, सांस से भी फैलता है, मतलब रेस्पिरेशन से भी दूसरे जानवरों को इन्फेक्ट कर लेता है। तो इस तरह की और भी इन्फेक्शन हैं, ज़रूरी नहीं है कि बकरे से ही फैलें ठीक है। जो उनके फ्लूड्स निकलते हैं उसमें भी वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ड में फैल गया बकरी तक पहुंच जाता है ठीक हो गया। तो तीन ही हो गए हाँ है। और चौथा था इन्फेक्शन हो गया और ये हो गया टॉक्सिक हाँ। माइकोटॉक्सिन फंगस जो होती है खुराक में या वनडे में या किसी वनडे के किसी अज्जा में अगर फफूंदी काला स्पॉट्स जो होता है ना ब्लैक स्पॉट जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, मोस्टली रोटियां खिलाने वाले लोग जो है रोटी पे बहुत ज़्यादा फंगस आती होती है ठीक है। ये इसको हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं, ये फफूंदी कुछ नहीं करती लेकिन ये ऐसे जहरीले टॉक्सिन मादे खारिज करती है जो अबॉर्शन करवाते हैं, वो अबॉर्शन के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ टॉक्सिन ऐसे हैं जो डायरेक्टली अबॉर्शन करवाते हैं, ओकरा टॉक्सिन होते हैं, ज़रैलिनोन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अबॉर्शन, ज़रैलिनोन के बारे में कहें वो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन तो अबॉर्शन करता है ठीक है। वो बिल्कुल उसकी केमिस्ट्री भी एस्ट्रोजन से मिलती जुलती है और वो किस में होता है फफूंदी में होता है। तो फफूंदी लगी कोई भी चीज़, अब फफूंदी लगी ये मतलब नहीं है कि वो पूरी काली हो जाएगी तो आप कहेंगे फफूंदी लगी है, मकई या कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट है बाज़ दफ़ा नज़र भी नहीं आता लेकिन वो उनमें टॉक्सिन होते हैं ठीक है। मकदार जब बढ़ती जाती है एक लेवल से जानवर की बर्दाश्त से बाहर होती है तो वो बच्चे फेंक देता है ठीक है। उसके अलावा लीवर डैमेज होता है तो टॉक्सन वाली फीड से बचाएं, माइकोटॉक्सन से बचाएं। एक हार्मोनल था, हार्मोनल में पांचवा जो आखिरी था, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन, लोग टीके भी लगाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के एहतियातन के, प्रोजेस्टेरॉन लगा दें आखिरी महीने में या एक महीना पहले ताकि बच्चे ना पहनें। उसकी रीज़न यही होती है
हार्मोनल डेफिशिएंसीज की बहुत सारी वजूहत होती हैं, न्यूट्रिशनल भी हैं, जेनेटिक भी हैं, कई वजहों से हो सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो गए किसी वजह से तो भी उसको कहते हैं बच्चेदानी की कमज़ोरी। ठीक है, जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो बच्चे को संभाल नहीं सकती, बच्चेदानी के मसल्स, वो उनकी टोन में तब्दीलियां आती हैं, बच्चे फेंक देता है जानवर। प्रोजेस्टेरॉन का एंटी हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो वो ज़ेरेलिनॉन जो टॉक्सन है वो एस्ट्रोजन की तरह होता है। मोस्टली जब वो ज़ेरेलिनॉन खाते हैं एस्ट्रोजन लाइक वो बिहेवियर आता है जानवर में, तो प्रोजेस्टेरॉन का एंटी है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो बाज दफ़ा कोई इंजेक्शंस भी ऐसे होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन भी वो यूज़ करते हुए देखना चाहिए कि कोई इस तरह का इंजेक्शन भी लग गया, एस्ट्रोजन लाइक इंजेक्शन कोई लग गया, तो वैसे तो बैन है लेकिन उसमें भी एहतियात है। उसमें भी हार्मोनल डेफिशिएंसी या ऊपर नीचे होने से प्रोस्टाग्लैंडिन है, एस्ट्रोजन है, काफ़ी सारे हार्मोन हैं जिनको बहुत टेक्निकल हो गए हैं, थोड़ा सा वापस आ जाएं। अच्छा ये तो हार्मोनल एक हो गया मसला, ठीक है, और हार्मोनल अच्छा चले यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। एक चीज़ रहेगी उसको अगले हिस्से में, दूसरी वीडियो में कवर कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो गई है, वो ये कि किन अलामात से पता लगता है कि यह कोई अलामात हैं ऐसी, और किन अलामात से पता लगता है कि यार ये अबॉर्शन करने जा रही है। इसको मैं एक ही फिक्रे में सम अप कर देता हूँ, ठीक है, कि जब अलामात आ जाएं फिर अबॉर्शन नहीं रुकती। ठीक है, क्योंकि जब अंदर का कैस्केड शुरू हो गया हुआ है, ठीक है इट मींस के जो बच्चे के साथ कार्रवाई होनी थी हो चुकी हुई है। हाँ। अब उसको रोकने का फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा। ठीक है, तो जब अलामात आ जाए फिर हाँ। आप अबॉर्शन को फैसिलिटेट करें, उसे रोकें ना। ओके, ठीक है, तो ये जो उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन ना लगाएं। बहुत सारे सिजेरियन किए हैं मैंने, बड़े ऑपरेशन किए हैं। हाँ। उन केसेस में जहाँ पे अलामात आने के बाद डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन लगा देते हैं और वो मरा हुआ बच्चा अंदर रुक जाता है, जानवर फेंकता नहीं है, उसको फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, या हार्ट डाल, या बच्चे सूज जाते हैं, उसमें मदर की जान भी बिल्कुल एट रिस्क ही होती है। लेकिन डॉक्टर तो, ये तो मैंने बहुत सारे फार्मर्स को ये अगेन हर वीडियो में आप एक मिथ बस्ट कर देते हैं, या एक नई मिथ आ गई यहाँ पे। हमें तो जब मैंने फार्मिंग शुरू की थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब गबन हो तो हर 15 दिन बाद ना प्रोजेस्टेरॉन या महीने बाद प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, हर 15 दिन बाद आप प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे, जानवर के अंदर अपना नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन पैदा होना बंद हो जाएगा। वो नहीं बंद करना आपने, ठीक है, आप इंजेक्शन लगाना भूल गए या इंजेक्शन ऊपर नीचे हो गया, या आप तो नहीं डिटरमिन कर रहे कि उसको इंजेक्शन कब चाहिए। आस्ता आस्ता इंजेक्शन पहले महीने बाद लगाएंगे, फिर आप उसको 15 दिन या 20 दिन बाद चाहिए होगा, और आप महीने वाली रूटीन फॉलो करेंगे तो फेंक देगी बच्चे। बॉडी में है प्रोजेस्टेरॉन, जब तक आपको कोई किसी जानवर की हिस्ट्री नहीं है बच्चे फेंकने की, उसको ना लगाएं। अच्छा। जिसमें हिस्ट्री है कि ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं पूरा कर सकती, बच्चेदानी की कमज़ोरी है, बच्चे फेंक देती है, उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी से फेंक रही है। मैंने तो, जैसे बताया 95 वजह आई अननोन, आप तो समझ रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फेंक रही है, हो सकता है टॉक्सन की वजह से फेंक रही है, हो सकता है गजा पूरी नहीं हो रही तब फेंक रही है, हो सकता है कोई इन्फेक्शन चल रही है, आपने स्क्रीन तो करवाया हुआ नहीं उस वजह से फेंक रही है, तो आप लगाते रहे प्रोजेस्टेरॉन, उल्टा क्या करेंगे उसका अपना प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करवाना बंद करवा देंगे आप बाहर से लगा लगा के। तो पहले वजह जाने कि वाकई प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, उसके लिए आप प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट होता है ब्लड का वो करवा लें। ठीक है, अगर उसमें वाकई प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन आ रहा है तो फिर उस जानवर को आप प्रोजेस्टेरॉन लगाएं, अगर प्रोजेस्टेरॉन का मसला ही नहीं है उसको प्रोजेस्टेरॉन ना लगाएं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जो नेचुरल रिलीज है प्रोजेस्टेरॉन का आप उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं बाहर से लगाने से। ऑक्सीटोसिन वाला केस है, जानवर को आप टीके पे आदि कर देंगे, अपना ऑक्सीटोसिन नहीं होगा रिलीज, बॉडी को बाहर से मिल रहा है, बॉडी समझे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके सेल्स ही ख़त्म हो जाते हैं जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ओके, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के केस में भी यूट्रस प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, जब आप बाहर से लगाएंगे बॉडी समझे कि मिल रहा है अपना रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस दिन लेवल डाउन हो गया आपने नहीं लगाया बच्चे बाहर फेंक देगी जान। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन लगाएं लेकिन जो यूट्रस है, वजाइना है, उसके अपने फ्लूइड्स हैं, सेक्रीशंस होती हैं, जमा होती रहती हैं, जब कभी कभी वो बाहर निकल जाती हैं। कुछ जानवरों में ज्यादा रिलीज होती हैं, कुछ में नहीं रिलीज होती। ठीक है, हाँ,
वाइट या येलो मटेरियल या जो जाला निकलता है, थिक मोटा जाला होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। अबॉर्शन जब होगी, अबॉर्शन की साइन में पेन, जानवर स्ट्रेस में होगा, पेन के साइन हो गए, जानवर ऐसे कुब निकालेगा, आश बैक उसे कहते हैं, इकट्ठा हो जाएगा, दर्द की अलामत आएंगी, खाना पीना छोड़ेगा या कम करेगा, वलवा पे जो उसकी वजाइना या वलवा है छोटे पेशाब वाली जगह, उस पर सोजन आएगी, रेडनेस आएगी, नीचे हवाने पे भी हो सकता है कभी कभी रेडनेस या सोजन आ जाती है, ये सारी अलामत हैं अबॉर्शंस की। ठीक है, या कोई ब्लडी ब्लडी कलर का कोई मटेरियल निकलता है, लाल रंग निकलता है, लाल रंग का, या कोई प्रैक्टिकली ब्लड निकलता है, तो ये अलामत हैं अबॉर्शन की। जब ये आ जाए अब आप नहीं रोक सकते, अब प्रोजेस्टेरोन ना लगाएं, नहीं नहीं नहीं, अब बच्चा मर गया अंदर या वो अपनी जगह से चल पड़ा, हिल गया, अलामत तभी आती हैं जब बच्चा बच्चे के साथ कुछ हो गया, ठीक है, और वो अपनी जगह से मूव हो गया, ठीक है, फिर अलामत आती हैं। ठीक है, अब आप उसको दोबारा वापस अपनी जगह पे नहीं ले जा सकते प्रोजेस्टेरोन लगा के, या वो मर गया तो उसको प्रोजेस्टेरोन से ज़िंदा नहीं कर सकते, उस वो बॉडी में रहेगा तो नुकसान करेगा, जहर बनेगा, सूज जाएगा। अब आप उसको वो ट्रीटमेंट करें जो उसकी अबॉर्शन में, उसके एक्सपल्शन में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करें। ठीक है, बेहतर है आप कुछ ना करें, बेहतर है कुछ ना करें, कुदरत पे छोड़ दें, कुदरत पे छोड़ें। अगर नहीं हो रही है अबॉर्शन, जानवर तंग है, बच्चे नहीं आ रहे बाहर, कोई मसला है, तो फिर उसको असिस्ट करें। लेकिन 90% केस ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, वो अबॉर्शन हो गई, हिल गया, अब आपको धोने लगाने का फायदा नहीं है, प्रोजेस्टेरोन लगाएंगे बकरी भी जाएगी। व्यूअर्स, ये जैसे देखें ना, ये मैं आपको बताऊं अपना ज़ाती तजर्बा, कि बहुत ज़्यादा लोग आपको गाइड यही करते हैं कि जी अच्छा ये हो गया प्रोजेस्टेरोन लगा दें, ये हो गया प्रोजेस्टेरोन लगा दें, या नॉर्मली ये भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं कि अच्छा जी हर महीने बाद ना, जब बच्ची बकरी गब्बन हो तो हर महीने बाद जो है ना प्रोजेस्टेरोन एहतियातन एक लगा दिया करें। तो अब प्रोजेस्टेरोन आप एहतियातन लगा देंगे तो जब बॉडी को बाहर से प्रोजेस्टेरोन मिलना शुरू हो जाएगा तो अपना प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देगी वो, और वो आप बकरी के अंदर, जानवर के अंदर एक डिफेक्ट खुद से डाल देंगे पकड़ के, जो उसका ये वही है कि आपके अंदर किसी बंदे को शुगर है, नहीं है शुगर तो आप उसको इंसुलिन लगाना शुरू कर दें, तो अगर आप उसको इंसुलिन लगाना शुरू कर दें, उसको शुगर नहीं है तो जिसम इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, वो शुगर का मरीज नहीं है, मरीज़ बना देंगे आप उसको इंसुलिन लगा के। चुवाई वाला टीका, चुवाई वाला ऑक्सीटोसिन वाला जो टीका है वो भी यही है। ठीक हो, चलिए व्यूअर्स, जो हकायक थे, जो साइंस थी, जो नॉलेज था, वो हमने आप तक पहुंचा दिया। फैसला करना आपका काम है कि आपने पुराने मिथ के ऊपर चलना है, चरवाहे पे चलना है, या साइंस पे चलना है। ठीक है, ये हमारा काम था आप तक चीज़ों को, नॉलेज को लेके आना। डिसीजन इज़ योर्स, फैसला आपका है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।